श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान अध्याय 33 गृहराज के अंदर का कथन। हयग्रीव बोले, हे कलश से उत्पन्न अगस्त्य जी, सर्वज्ञादि अंतराल के ऊपर 20 हाथ ऊंचा और 4 नलवा 16 सौ हाथ विस्तार वाला सर्वरोगहर नामक चक्र है, जो सब रोग हरने वाला है, जिसके अंतर्गत वशिनी आदि शक्तियां समझनी चाहिए, तथा उसमें पूर्व की भांति सीढ़ियां और घर बने हुए हैं। वहां उस चक्र में पूर्ववर्णित दिशाओं के क्रम से वशिनी आदि देवियां हैं। स्वरों वाली वहां प्रथम वशिनी देवी है, जिसमें अ से लेकर अह तक के सब स्वर आ जाते हैं। उसके बाद क वर्ग क ख ग घ व सहित दूसरी कामेश्वरी नाम की वागदेवी है। च वर्ग च छ ज झ य से युक्त तीसरी मोदिनी नाम की वागदेवी है। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण मंडित आकार वाली चौथी विमला नाम की सरस्वती देवी है। त वर्ग त थ द ध न वर्णों से युक्त पांचवी वाक प्रधारणा देवी है। प वर्ग प फ ब भ म वर्णों से सजी हुई छठी जैनी देवी मान गई है। यदि य व र ल चतुष्कोण रूप वर्णों वाली सातवीं सर्वैश्वर्यादि वाङ्मयी देवी है। स वर्ण वाले श श स ह वर्णों वाली आठवीं तो कौलिनी देवी मानी गई है। मोतियों के आभूषणों से सजी हुई ये देवियां ललिता देवी के जप में लगी हुई है। वे सब देवियां पद्य गद्य लहरी झालमजीरा आदि वाद्यों के साथ गाने वाली मानी गई है। अतः हे घड़े से उत्पन्न अगस्त्य जी, वे सब काव्य नाटक और कानों को मधुर लगने वाले स्वरों से ललिता देवी का मनोरंजन करती रही है। हयग्रीव ने कहा कि वातापी नामक राक्षस को खाकर पचाने वाले अगस्त्य जी, ये सब रहस्य नाम से ही ख्यात देवियां कही गई है। अपने अपने चक्र की सिद्धा नाम की देवी कही गई है। इस सर्वज्ञादि चक्र की रक्षा करने वाली खेचरी मानी गई है। उसके बाद हयानन जी बोले कि हे विंध्य पर्वत का मर्दन करने वाले अगस्त्य जी, वशिनी आदि देवियों के अंतराल से ऊपर से 20 हाथ ऊंचा और 4 नलवा 16 सौ हाथ विस्तार वाला अस्त्र चक्र समझना चाहिए, तथा वहां पर बाण आदि देवता है। वहां पर 5 वानेश्वरी देवियां है और 5 कामेश्वरी शीघ्र गमन करने वाली देवियां हैं। उनमें अंकुश वाली 2 है, आदि स्त्री और आदि पुरुष की दीप्त आदि 2 है, 2 धनुष है जो 9 पुंड्र में कल्पित है, 2 दीप्त आभा वाले पाश है। इस प्रकार हे अगस्त्य जी, 4 प्रकार के अस्त्र है। उनमें 4 कामेश्वरी देवी के हैं,
और चार श्री माहेश्वरी देवी के हैं। इस प्रकार इन आठ आयुधों को लेकर ये देवियाँ प्रज्वलित होती है और सुशोभित होती है। भंडासुर महायुद्ध में दुष्ट दानवों के रक्तों के पीने से वे अत्यंत तृप्त दिव्य अस्त्र वहाँ उस चक्र में जागते रहते हैं। इन आयुधों के अनेकों आयुध परिवार हैं, वे सब अस्त्रों के बीच में विद्यमान है तथा उनकी संख्या करोड़ों में है। वे हैं वज्र शक्ति, शतघ्नि, भुशुंडी, मुसल, कृपाण, पट्टीश वज्र, मुद्गर, भिंदी पालक। इस प्रकार ये शस्त्र हजारों हजार की संख्या में है। इस प्रकार ये आठ आयुध महाशक्तियाँ मद से ब्योहल माँ ललितेश्वरी की सेवा करती रहती है। इसके बाद शस्त्रांतराल के ऊपर वात पितापन चक्र है जो 20 हाथ ऊंचा और चार नलवा 1600 हाथ विस्तार वाला है। वहाँ समयेशी देवियों का हवन कुंड है और तीन का स्थान माना गया है। वहाँ पर कामेशी आदि तीन देवियाँ हैं, अन्य चौथी देवी है। वहीं समस्त विश्व की रचना करने वाली ललितेश्वरी देवी है। उन तीनों के नामों को सुनिए। उनमें कामेशी प्रथमा मानी गई है, दूसरी वज्रेशी है और तीसरी भगमाला है। वे सब हजारों देवियाँ ललितेश्वरी की सेवा करती है। सबके दर्शनों की जो देवियाँ है वे अनेकों प्रकार की स्मरण की गई है। वे सब कामेशादि महोदया देवियाँ वहाँ ललितेश्वरी की सेवा करती है। इन सबके प्रसंगों में और नित्या देवियों के चक्रिणी योगिनियों के प्रसंग में श्री देवी पूर्ण आत्मा वाली है जो कामेश्वर देव की गोद में शयन करने वाली ललिताम्बिका है। कामेशी आदि चतुर्थी है, वह नित्यों की 16वीं मानी गई है। चक्र देवियों की योगिनी नवमी मानी गई है। समयेशी आदि के अंतराल से ऊपर मृगशिरा नक्षत्र के अंत तक नाथांतर चक्र कहा गया है जो 20 हाथ ऊंचा और वारनलवा 1600 हाथ विस्तार वाला है तथा पूर्व अंतरालों के समान द्वार, अर्गला, कपाट एवं सीढ़ियों से सजा हुआ है। वहाँ पर योग शास्त्र की प्रवर्तक नाथा महादेविया है जो सबकी मंत्र गुरु और सब विद्याओं के महासागर अर्थात वे नाथा महादेविया सब मंत्रों की गुरु तथा सब विद्याओं की सागर है। इन 16 की रक्षा करने के लिए भगवान कामेश्वर देव ने 4 योगनाथों की सृष्टि की है। उनके नामों को सुनिए। मित्री षोडीश चर्य नामक उन्होंने संसार की रक्षा के लिए पादुकात्मक अनेकों लोकों की रचना की। दिव्य विद्या मानवोघ सिद्धोघ और तपस्वी देव समान प्रकाश समान रूप और समान घनिष्ठता मेलजोल प्राप्त सिद्धियाँ और महान गुरु उन सबसे श्रेष्ठ गुरु ललितेश्वरी की सेवा करते हैं।
उसके बाद नाथा अंतराल के ऊपर उत्तम यज्ञ वेदी है जो 20 हाथ ऊंची और वहां 4 नलवा विस्तार वाला नित्यांतर चक्र कहा गया, जहाँ की 15 नित्या देवियाँ कही गई हैं। वे हैं कामेश्वरी नित्या, भगमालिनी नित्या, क्लिन्ना नित्या, भरुंडा नित्या, वह्निवासिनी नित्या, महावज्रेश्वरी नित्या, दूती नित्या, त्वरिता नित्या, कुलसुंदरी नित्या, नीलपताका नित्या, नित्या नित्या, विजया नित्या, सर्वमंगला नित्या, ज्वाला मालनिका नित्या, चित्रा नित्या। ये सब देवी स्वरूप है और महावल और पराक्रम वाली देवियाँ हैं। ये 15 देवियाँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि मुख्य तिथियों को प्राप्त होकर तीनों लोकों में व्याप्त है तथा तिथिया नित्य रहती हैं। इसलिए उपर्युक्त कामेश्वरी आदि देवियाँ नित्या कही गई है। अतः क्रम से उन्हें तिथियों के अनुसार गिना जा सकता है, जैसे कि कामेश्वरी प्रथमा, भगमालिनी भगमालिनी द्वितीया, नित्यक्लिन्ना तृतीया, भेरुंडा चतुर्थी, वह्निवासिनी पंचमी, महावज्रेश्वरी षष्ठी, छठ शिवदूती नित्या सप्तमी, सातवीं कुलसुंदरी नित्या अष्टमी, त्वरिता नित्या नवमी, नित्या नित्या दशमी, नीलपताका नित्या एकादशी, विजया नित्या द्वादशी, श्रीमंगला नित्या त्रयोदशी, ज्वाला मालिनी नित्या चतुर्दशी तथा चित्रा नित्या पूर्णिमा अथवा अमावस्या। ये तिथिगत देवियाँ भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों पे रहने वाली तथा काल को ग्रास करने में अत्यंत कुशल है, अर्थात समय को खाती चली जाती है, समय बीतता जाता है। इन काल रूप, तिथि रूप देवियों के लिए ब्रह्मा आदि समस्त देवों ने बहुत समय तक देवी की उपासना की। तब ललितेश्वरी देवी की आज्ञा से उस समय की सौवर्ण आयु रूप ये स्थित हुई। ये सब श्री परादेवी ललितेश्वरी के अंग से उत्पन्न हुई देवियाँ नित्य उद्दत हो, आतंक रहित होकर संसार की समृद्धि के लिए चित स्वरूपिणी ललिता देवी की सेवा करती है। ये 15 तिथियों की ईश्वरी देवियाँ उन ललिता देवी के भवनत्व को प्राप्त हो गई है, अर्थात 15 तिथियाँ उन परमेश्वरी ललिता देवी के भवन है। सृष्टि चक्र के बिंदु में तो षोड़शी देवी श्री ललिता का भवन माना गया है। हयानन बोले कि अगस्त्य जी, उसके बाद नित्यांतराल के ऊपर अंग देवी का अंतराल कहा गया है तथा पूर्व अंतरालों की भांति उसमें भी सब मुख्य द्वार, कपाट, अर्गला और सीढ़ियाँ बनी हुई है। उस भवन में हृदय देवी आदि अनेकों शक्तियाँ हैं। वे हैं हृदेवी, शिरोदेवी, शिखादेवी, वर्मदेवी, दृष्टिदेवी, शस्त्रदेवी, ये 6 देवियाँ हैं। वे सब देवियाँ सुंदर भौहों वाले श्री कामेश्वर के अत्यंत सन्निकट है। ये सब नवीन सौंदर्य से भरपूर और आयु धारण करने वाली और सावधान है तथा ये दृप्त मूर्तियों वाली देवियाँ
बिंदु पीठ के चारों ओर घूमती रहती है। बिंदु पीठ की रक्षा करने वाली ये देवियाँ ललिता देवी की आज्ञा को संसार में लागू कराने वाली है। अंग देवी अंतराल के ऊपर मंडलाकार बिंदुनाद महापीठ है, जो 10 हाथ ऊंचा और 8 नलवा 3200 हाथ विस्तार वाला उदित सूर्य के समान है। इस बिंदुनाद महापीठ को ही श्रीपीठ समझना चाहिए, यही श्रीपीठ है, इसको ही महापीठ जानना चाहिए। यदि विद्यापीठ है, आनंदपीठ भी इसे ही कहा जाएगा, तथा यही 50 पीठ के रूपों को धारण करने वाला है। वहां ललिता देवी के पंच ब्रह्ममय में महान प्रपंचत्रय मूलक मंच रत्न प्रकाशित है। उस मंच के 4 पैर कहे गए हैं, जो 10 हाथ ऊंचे तथा 3 हाथ मोटे हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश ईश्वर के रूप में आकर ललितेश्वरी शक्ति के ध्यान में भाव विभोर होकर उनका ध्यान करते हैं। एक तो मंचपाद जपा के पुष्प के समान है, जिसे ब्रह्मात्मक पाद जानना चाहिए, जो अग्नि दिशा अग्नेय दिशा की ओर आश्रित है। चौथा मंचपाद तो कर्णिकार अमलतास की सार वाला है, उसे ईश्वरात्मा जानना चाहिए, वह ईशान दिशा के भाग में आश्रित है। ये सब आयुध सब अलंकारों से भूषित है। ऊपर नीचे स्तंभ रूप है तथा मध्य में पुरुष रूप वाले है, अर्थात ऊपर नीचे खंबे के रूप में है और बीच में पुरुष के आकार में है। वे श्री ललितेश्वरी के ध्यान में आंखें बंद किए हुए श्री देवी के ध्यान में अपने अंगों को बिल्कुल बिना हिलाए डुलाए हुए स्थित हैं। उनके ऊपर मंच का फलक सदाशिव है, जो खुले हुए अनार की कांति के समान 4 नलवा 1600 हाथ विस्तार वाला तथा 9 नलवा 3600 हाथ आयाम वाला सदा चमकता हुआ मूर्तिमान है। अंग देव्यंतराल के आरंभ से मंच के फलक की अवधि तक चिंतामणि रत्नमय अंग तत्वरूप है। वहां 36 निवेशनों के साथ सीढ़ियां सुशोभित होती है, जो आरोहण के क्रम से सीढ़ियां हम देखते हैं। भूमि जल अग्नि वायु और आकाश गंध रस रूप स्पर्श और शब्द उपस्थ पायु पैर हाथ वाणी नासिका जिह्वा त्वचा चक्षु श्रोत्र अहंकार बुद्धि मन प्रकृति और पुरुष समस्त 25 तत्व नियति काल राग कली विद्या माया शुद्धा विद्येश्वर सदाशिव शक्ति शिवा ये 36 सीढ़ियाँ तत्व सोपान पंक्तियाँ हैं। पूषा सोपान पंक्तियों पूषा नामक सीढ़ियों की पंक्तियों वाली मंच पूर्व दिशा में आश्रित है। इसके बाद उस मंच के ऊपर हंसों से चित्रित गद्दी आसव चौतरा है, जो 1 हाथ ऊंचा और 4 नलवा लंबा है, जिस पर पादोपधान पैरों का तकिया और
मूर्धोपधान सिर की तरफ का तकिया दोनों विराजित है तथा वह आसन गुलाब की फूल की कांति से युक्त 64 सोने के बर्तनों से सुशोभित है। उसके ऊपर गेरुआ वस्त्र पहने हुए कोमल गंध से युक्त पद्मराग मणि की कांति से युक्त उसके ऊपर रहने हुए पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए दया से युक्त सदा सुंदर लगने वाले श्रृंगार वेश वाले 16 वर्षीय उदित होते हुए सूर्य बिंब की आत्मा वाले 4 हाथ और 3 नेत्रों वाले हार कंगन मुकुट करधनी आदि अलंकारों से अलंकृत कमनीय मुस्कान रूप चांदनी से परिपूर्ण कपोल वाले भगवान आदि देव कामेश्वर शिव जाग रहे हैं। उनकी गोद में श्री ललितेश्वरी कामेश्वरी बैठी हुई है जो तरुण सूर्य की आभा के समान पाटल लाल वर्ण की है तथा वे सदा 16 वर्ष की वनी रहने वाले नवयौवन से गर्वित है। उनके शरीर की कांति बिना मसले हुए कमल की आभा के समान है। उनके नाखून चंदन और कमल की शोभा से युक्त है। बिना महावर लगाए हुए उनके चरण कमलों पर महावर की लालिमा विद्यमान है। कलकल शब्द करते हुए पैरों में घुंघरू और हाथों में कंगन मोहित करने वाले हैं। उनकी जंघाएं कामदेव के श्रेष्ठ तर्कश के दर्प को बता रही है अर्थात उनकी जंघाएं इतनी सुंदर है कि वे कामदेव के अपार वानों को दर्शा रही है। उनकी जंघाओं को देखकर कामदेव के वान लगते ही रहेंगे, वे समाप्त नहीं होंगे। हाथी के सूंड तथा केले के स्तंभ के समान कांति की शोभा वाली उनकी दोनों जंघाएं हैं। छूने में अत्यंत सुंदर फैले हुए लाल दुपट्टे से अलंकृत नितंब वाली जंघाओं के विस्तार से सुंदर दिखाई देने वाली वे देवी हैं। वे आधी जंघाओं पर गांठ वाली सोने की करधनी पहने हुए विराजित है। झुकने पर उनकी नाभि का जो गर्त है वो तथा उनकी कमर के वो तथा उनकी कमर में पड़ने वाली 3 रेखाएं भवरों वाली नदी की शोभा वाली है। उनके स्तन खिले हुए फूल के समान झूलते हुए सैकड़ों मोतियों की कांति से आवृत है और अत्यंत मोटे स्तनों के भार से वे भूमि की ओर झुकी हुई है। शीर्ष पुष्प की कांति से कोमल पत्र की आभा वाली उनकी 4 भुजाएं हैं। वाजुवंद कंगन की पंक्तियों से मंडित हाथों और अंगुटियों वाली उनकी अंगुलियां हैं अर्थात वे हाथों में वाजुवंद और कंगन पहने हुए हैं तथा सब अंगुलियों में अंगुटियां पहने हुए हैं तथा वे अपने पति कामेश्वर शिव से अपनी शंख के समान सुंदर गर्दन चिपकाए हुए हैं। उनके मुख रूपी दर्पण में गुलाब के समान टोरी और अधर अत्यंत सुशोभित है। वे श्वेत पंक्तियों और विद्यारूप
चमकते हुए खिले हुए चमेली के फूल के समान सुशोभित दांतों से चांदनी फैला रही है। वे मोटे मोटे मोतियों से युक्त अनेकों प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है। केतकी केवड़े के पत्र के समान उनके कमर है। बड़ी बड़ी उनकी आँखें हैं। उनके मस्तक पर आधे चंद्रमा सुशोभित है, जो सवारे हुए केशों की शोभा बढ़ा रही है। उनके कान में माणिक्य जड़ा हुआ कुंडल सुशोभित है, अर्थात माणिक्य जटित कुंडल से मंडित उनका कान है। नवीन कपूर और कस्तूरी की सुगंध से उनकी चोली सदा सुगंधित रहती है। शरतकालीन चंद्रमंडल के समान मधुर उनका मुख है। चिंतामणियों के सार अर्थात सुंदर चिंतामणि नामक अमूल्य पत्थरों से सजा हुआ उनका मुकुट है। चमकते हुए तीलक रूप रत्न की आभा वाला मस्तक पर नेत्र विराजित है। घोर काले अंधकार से आवृत घर के अंधकार के समान उनके घुंघराले वाल है। मस्तक पर सीमंत रेखा मांग सिंदूर की पंक्ति चमक रही है। चमकती हुई चांदनी के समान मदयुक्त उनके चंचल नेत्र है। इस प्रकार वे देवी सब श्रृंगारों से सजी हुई और सब आभूषणों से भूषित है। वे समस्त संसार की माता बनाने वाली और सदा समस्त संसार का आनंद बढ़ाने वाली है। वे ब्रह्मा विष्णु और शिव और सदाशिव की निदान भूमि है। अपनी आँखों से बहती हुई करुणारूप निर्झरी से तर्पित अर्थात उनकी आँखों से करुणा सदैव झरती हुई दिखाई देती है। ऐसी वे पापों को नष्ट करने वाली भगवती ललिताम्बिका आदिदेव कामेश्वर भगवान शिव की गोद में बैठी हुई सुशोभित हो रही है। अन्य देवताओं की पूजाओं में जिसका फल जानिए, जिसकी पूजा का फल जिसका पूजन ही कहा गया है। हयानन ने कहा कि उन ललिता देवी की पूजा का फल उनका ही पूजन है। तब मैं उन ललिता देवी की पूजा का फल और पूजन कैसे वर्णन करूं? उनकी पूजा का फल और उनके पूजन का प्रकार यदि वर्णन किया जाए तो करोड़ों वर्षों में भी एक भाग भी नहीं वर्णन किया जा सकता। वे देवी अवाग्रूपा है अर्थात वाणी से वर्णन करने योग्य ही नहीं है। फिर उनका वर्णन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वाणियाँ तो मन के साथ किसी विषय को न प्राप्त कर लौट आती है। अर्थात जिस विषय एवं वस्तु की जब मन से कल्पना की जाती है तब वाणी उसका वर्णन करती है। अतः जब मन ही उसकी कल्पना करने में असमर्थ है तब वाणी कैसे वर्णन कर सकती है। अब हयानन कहते हैं कि हे अगस्त्य जी, बहुत कहने से क्या लाभ? इस तत्वभूत रहस्य को सुनिए। मैं न किसी पक्षपात से, न स्नेह से और न मोह से कह रहा हूँ, अर्थात मैं यथार्थ कह रहा हूँ। मैं किसी पक्षपात, प्रेम अथवा मोह से नहीं कह रहा हूँ। हे
तपोनिधे अगस्त्य जी, यदि कल्प वृक्ष की शाखाएं लेखनी हो जाए तथा सब महासमुद्र स्याही के पात्र दवात बन जाए तथा 50 करोड़ योजन विस्तृत पृथ्वी कागज बन जाए और उसके लिखने का समय यदि परार्ध 1 संख वर्ष से भी अधिक होए तथा करोड़ भुजाओं वाले समस्त संसार के लोग लिखे और बृहस्पति के समान सब यदि वक्ता होवे तो भी श्री देवी के चरण कमल की 1 अंगुली की कांति का सहस्रांशों में से 1 अंश का भी वर्णन नहीं हो सकता है अथवा उनके गुणों की स्मृति में समस्त वृत्ति निष्फल है। पादटीका में है, ये तो पूर्णतः सत्य है कि ललितेश्वरी प्रकृति के विषय में कोई नहीं जान सकता। आज विज्ञान इतना अधिक विकास कर गया है, फिर भी आज के वैज्ञानिक ये स्वीकार करते हैं कि अभी प्रकृति के 1 सहस्रांश का भी ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान तो कदापि संभव नहीं है। वैज्ञानिकों को अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व ही प्रकृति सब कुछ समाप्त कर देगी। बिंदुपीठ के चारों ओर 4 नदियों से स्थित मेद के समान काले रंग का महामाया का पर्दा लटक रहा है। उन देवी के ऊपर 40 हाथ ऊर्ध्व से तीनों लोकों में दुर्लभ इंद्रगोप वितान तंबू तना हुआ, वहां अलंकार का जाल बिछा हुआ है, वह अत्यंत दुर्लभ है। मेरी वाणी वर्णन करेगी तो कंठ ही लज्जा से नष्ट हो जाएगा। वहां के जितने गुण हैं उनको वे ललिता देवी ही जानती है, जहां मन की गति भी नहीं पहुंच सकती। उस सौभाग्य का किसके द्वारा वर्णन किया जा सकता है? उस प्रकार भंडासुर दैत्य के वध के लिए प्रकट हुई श्री ललिताम्बिका देवी चिद्रूप अग्नि से समस्त दैत्यों को जलाने वाली दिव्य शिल्पी लोगों द्वारा 16 क्षेत्र वाले घरों को अधिष्ठित कर सदैव श्रीनगर विष्टप आसन की रक्षा करती है। उसी प्रकार से अन्य श्रीपुर भी है, उनमें कोई भेद नहीं है, केवल नाम मात्र भेद से वे पुर है। जो मनुष्य अनेकों प्रकार के वृक्षों महोद्यानों से आरंभ करके इस क्रम से श्रीपुर की कथा का वर्णन करते हैं, वे परमगति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तथा जो मनुष्य इस कथा को सुनते हैं, पूछते हैं, इस कथा का चयन करते हैं तथा जो पुस्तक में धारण करते हैं, अर्थात इस कथा पर पुस्तक लिखते हैं, वे भी परम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य श्रीपुर के प्रकार को पढ़कर उसके अनुसार स्थानों का विभेद कर शिल्पकारों द्वारा श्री देवी के महान आयतन को बनवाते हैं, वे मनुष्य परम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त्य के संवाद के
ललितोपाख्यान में 33वां अध्याय गृहराज के अंदर का कथन का हिंदी अनुवाद प्रोफेसर दलवीर सिंह चौहान आत्मज स्व शिव सिंह निवासी नगला सरदार द्वारा विष्णुपाद प्रतिष्ठित महात्मा बुद्ध की तपस्थली गया नगरी में संपन्न हुआ।